जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बहुत ही खास वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जो इस बार एमएड में एंट्रेंस एग्जाम्स देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके एमएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पे लेके आए हैं। बहुत संभावनाएं हैं कि इस पूरे वीडियो से कम दो या तीन सवाल आपको आपके एमएड एंट्रेंस एग्जाम्स में मिल जाए। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं आपके एमएड एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। ये पहली वीडियो, स्वागत है आपका। तो आपका पहला सवाल क्या है दोस्तों, इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 10 सेकंड में आप रिप्लाई करिए, फिर उसके बाद हम इसके आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, आपका पहला सवाल है बच्चों कि वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र थे। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ पे दी जाती थी, शिक्षण संस्था, शिक्षा व्यवस्था कहाँ पे काम करती थी। आपका समय शुरू होता है अब। आपके विकल्प हैं, पहला आश्रम में, दूसरा गुरुकुल में, तीसरा मठों और विहारों में, चौथा मदरसे में। तो वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी, तो बिल्कुल सही जवाब है, वैदिक काल में शिक्षा आपकी कहाँ दी जाती थी, गुरुकुल में। गुरुकुल आपका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल बच्चों, वैदिक काल से संबंधित है। अब कुछ संस्कार यहाँ पे दिए गए हैं, उपनयन संस्कार, पबज्जा संस्कार या बिस्मिल्लाह रस्म। इनमें से तीनों जो रस्म है ना, ये तीनों ऐसी संस्कार है जो शिक्षा शुरू करने से पहले दी जाती थी। तो वैदिक काल में इससे संबंध क्या है, आप बताइए। क्या इसका सही जवाब उपनयन संस्कार होगा, पबज्जा संस्कार होगा, बिस्मिल्लाह रस्म होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैदिक काल से कौन सा संबंधित है, वैदिक काल से संबंधित है आपका उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का मतलब वैदिक काल में जब विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने शुरू होती थी तो उसे उपनयन संस्कार कहते थे, उपनयन संस्कार उसका कराते थे। अगला सवाल, उपनयन संस्कार कराई जाती थी, कब कराई जाती थी, शिक्षा के आरंभ में, शिक्षा के मध्य में, शिक्षा के अंत में और उच्च शिक्षा से पूर्व। तो आप बताएं, वह उपनयन संस्कार कब कराई जाती थी, शिक्षा के आरंभ में, शिक्षा के मध्य में, शिक्षा के अंत में या उच्च शिक्षा से पूर्व। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, उपनयन संस्कार आपकी कराई जाती थी कहाँ पर, शिक्षा के आरंभ में, शिक्षा के शुरू में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उपनयन का अर्थ क्या होता है। उपनयन का अर्थ होता है नया ज्ञान प्राप्त करना या फिर पहला विकल्प है नयन प्राप्त करना, नेत्रहीन होना, गुरु को देखना या गुरु के पास लेके जाना। तो उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है, उपनयन का अर्थ क्या है, उपनयन की शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा कि गुरु के पास ले जाना, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। उपनयन का मतलब होता है गुरु के पास ले जाना। अगला सवाल, वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य नहीं है, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य निम्न में से कौन से नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति, चरित्र का निर्माण, नैतिक विकास या क्रोध एवं हिंसा। तो आप देखेंगे पहला विकल्प ईश्वर की प्राप्ति, चरित्र का निर्माण, नैतिक विकास या क्रोध एवं हिंसा। तो वैदिक कालीन शिक्षा में क्रोध और हिंसा का कोई स्थान नहीं था, तो इसीलिए वैदिक कालीन शिक्षा में क्रोध और हिंसा उसके उद्देश्य नहीं होंगे। अगला सवाल, वैदिक कालीन शिक्षा को अन्य किन नामों से जाना जाता है, वैदिक कालीन शिक्षा को अन्य किन नामों से जाना जाता है, हिंदू शिक्षा प्रणाली, ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब जो तीनों ये नाम दिए गए हैं, हिंदू शिक्षा प्रणाली, ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, क्या ये तीनों नाम वैदिक कालीन शिक्षा के हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कौन से नहीं हैं। तो जी हाँ, तीनों ये जो नाम है वैदिक कालीन शिक्षा के अन्य नाम हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये तीनों क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा के नाम है। अगला सवाल, भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व से 6 वर्ष तक, ईसा पूर्व से 6 वर्ष तक काल को किस नाम से जाना जाता है, वैदिक काल, मुगल काल, इनमें से कोई नहीं या मुस्लिम काल। तो भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व से 600 वर्ष तक के काल को, 600 वर्ष तक के काल को किस नाम से जाना जाता है, वैदिक काल, मुगल काल, इनमें से कोई नहीं या मुस्लिम काल। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वैदिक काल। बहुत अच्छा, चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको बखूबी याद होगा कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय किसे माना जाता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय या तक्षशिला विश्वविद्यालय या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय की ख्याति प्राप्त है तक्षशिला विश्वविद्यालय, अपना तक्षशिला। अगला सवाल, बौद्धकालीन शिक्षा की भाषा थी, बौद्धकालीन शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी। अच्छा, इससे पहले हम वैदिक कालीन शिक्षा भी किस भाषा में दी जाती थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा की भाषा थी, किस भाषा में बौद्धकालीन शिक्षा दी जाती थी, पाली भाषा में, उर्दू भाषा में, अवधी भाषा में या संस्कृत भाषा में।
तो जी हाँ, देखिए संस्कृत भाषा में भी दी जाती थी, लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा की जो मुख्य भाषा थी वो थी बच्चों पाली भाषा थी। बिल्कुल सही जवाब है आपका, पाली भाषा है। अगला सवाल, बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, तो इसमें मैंने विकल्प नहीं दिया क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप सबको पता है कि बौद्धकालीन शिक्षा के संस्थापक किसे माना जाता है, गौतम बुद्ध जी को माना जाता है। बौद्ध काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी, जैसे वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी, वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी भाई, आश्रमों में दी जाती थी, गुरुकुल में दी जाती थी, ये कहाँ, तो वैदिक काल में गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। यहाँ कह रहा है कि बौद्ध कालीन में शिक्षा कहाँ दी जाती थी, आश्रम में, मठों और विहारों में, मदरसों में, या इनमें से कोई नहीं। तो बौद्धकालीन में शिक्षा कहाँ दी जाती थी, मठों और विहारों में बौद्धकालीन की शिक्षा दी जाती थी, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, बौद्धकालीन शिक्षा में सर्वाधिक किस पर जोर दिया गया, सांसारिक सुख, स्वर्ण एवं मुद्राओं पर, निर्वाण की प्राप्ति, या धर्म परिवर्तन पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि बौद्धकालीन शिक्षा में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों निर्वाण प्राप्ति पर, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति पर, यानी कि आत्मा की प्राप्ति पर, निर्वाण प्राप्ति पर सर्वाधिक जोर यहाँ पे दिया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बौद्धकालीन शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसे नहीं था, ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसे नहीं था, राजा के पुत्र को, अन्य धर्म के लोगों को, चंडालों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे माना जाता है कि बौद्धकालीन शिक्षा में चंडालों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। चंडाल किसे कहते हैं, चंडाल अति पिछड़े जाति को माना जाता है, जिनको गाँव में रहने तक की इजाज़त नहीं है, वो गाँव से बाहर ही रहते हैं, तो उनको यहाँ पर माना जाता था। तो उस समय इनको शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित है, उपसंपदा संस्कार, प्रबोध्य संस्कार, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बौद्धकालीन शिक्षा से कौन सा संबंधित है भाई, बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित आपके प्रबोध्य संस्कार भी होता है, क्योंकि प्रबोध्य संस्कार का मतलब होता है कि प्रारंभ, जब शिक्षा प्रारंभ करते हैं तो प्रबोध्य संस्कार से करते हैं। उपसंपदा संस्कार जब आपकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हो जाती है तब आपकी उपसंपदा संस्कार यहाँ पर कराई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त में से दोनों। प्रबोध्य संस्कार का अर्थ क्या होता है और क्या होता है, या प्रबोध्य संस्कार कब कराया जाता है, शिक्षा के आरंभ में, शिक्षा के मध्य में, शिक्षा, उच्च शिक्षा पूर्व, उच्च शिक्षा से पहले, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रबोध्य संस्कार कब शुरू, कब कराया जाता है, प्रबोध्य संस्कार कराया जाता है बच्चों शिक्षा के आरंभ में, प्रबोध्य संस्कार कराया जाता है। नेक्स्ट, प्रबोध्य संस्कार के पश्चात बालक कहाँ रहते हैं, प्रबोध्य संस्कार के बाद अब बालक अपने घरों में रहते हैं, अपने आश्रम में रहते हैं, संघ में रहते हैं, या जंगल में रहते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, प्रबोध्य संस्कार के बाद बालक क्या करते हैं, अपने माता पिता और अपने घर का परित्याग करके वो संघ में जाके रहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों संघ में, संघ मतलब बुद्ध शरणं गच्छामि, बुद्ध संघम गच्छामि, बुद्ध के शरण में आ गया, संघ में आ गया। तो कहाँ पे होता है, प्रबोध्य संस्कार के बाद संघ में बालक आ जाते हैं, विद्यार्थी संघ में रहना प्रवेश करते हैं। अच्छा, प्रबोध्य संस्कार के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, प्रबोध्य संस्कार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 8 वर्ष, 6 वर्ष, 22 वर्ष, या 12 वर्ष। तो प्रबोध्य संस्कार की न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए बच्चों, न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो है 8 वर्ष की होनी चाहिए, 8 वर्ष के बाद ही आप प्रबोध्य संस्कार करा सकते हैं, यानी कि बालक को शिक्षा शुरू करा सकते हैं। अगला, बौद्ध काल में विद्या आरंभ करने की न्यूनतम आयु क्या थी, बिल्कुल फिर से वही सवाल है, बौद्ध कालीन शिक्षा में न्यूनतम आयु क्या थी भाई, 8 वर्ष थी, 6 वर्ष थी, 22 वर्ष थी, या 12 वर्ष थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जब प्रबोध्य संस्कार होता है तभी आप शिक्षा आरंभ कर सकते हैं, तो वो है 8 वर्ष, इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा, अब आइए, सॉरी यहाँ पे लिखा है 12वीं से, गलती हो गई, 12वीं से 18वीं शताब्दी तक की अवधि को क्या कहा जाता है, 1200 से 1800 के बीच की ईस्वी को क्या कहा जाता है बच्चों, मध्यकाल, या मुस्लिम काल, आधुनिक काल, बौद्ध काल, या वैदिक काल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि 1200 से 1800 तक के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है, इसको मध्यकाल, मुस्लिम काल, आधुनिक काल, बौद्ध काल, या वैदिक काल कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्यकाल, या फिर मुस्लिम काल कहा जाता है 1800 से 1200 तक की ईस्वी को। अब आइए, मुस्लिम कालीन शिक्षा से संबंधित है, जैसे कि आप देखेंगे अगर बिस्मिल्लाह रस्म, तो आप यकीनन कह सकते हैं कि जो बिस्मिल्लाह रस्म है वह मुस्लिम कालीन शिक्षा से संबंधित है। तो बिस्मिल्लाह रस्म क्या हो गया, मुस्लिम कालीन शिक्षा से संबंधित हो। अगला देखते हैं, मुस्लिम काल में शिक्षा आरंभ करने की आयु होती थी,
मुस्लिम काल में शिक्षा आरंभ करने की क्या आयु होती थी? 8 साल में आरंभ कर सकते हैं, 6 साल में आरंभ कर सकते हैं, 13 साल में आरंभ कर सकते हैं, 4 वर्ष 4 महीने या 4 दिन में आरंभ कर सकते हैं। काल में शिक्षा आरंभ करने की आयु क्या होती थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन। ये मुस्लिम कालीन शिक्षा में शिक्षा आरंभ करने की आयु होती थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख अभिकरण क्या थे? प्रमुख एजेंसियां क्या थीं? मतलब मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र का क्या थे, कहाँ पे मुस्लिम कालीन शिक्षा दी जाती थी? मकतब में, मदरसे में, या मकतब और मदरसे दोनों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख अभिकरण थे बच्चों, मकतब और मदरसा दोनों में शिक्षाएँ दी जाती थी। अगला सवाल है भाई, मुस्लिम काल शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? अब मकतब में, मदरसे में कहाँ दी जाती थी प्रारंभिक शिक्षा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी वो आपकी मकतब में दी जाती थी, ठीक है। और उच्च स्तरीय शिक्षा कहाँ दी जाती थी? उच्च शिक्षा दी जाती थी आपके मदरसे में दी जाती थी, ठीक है। अगला सवाल, मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख अभिकरण मकतब और मदरसा आपने देख ही लिया। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जैसे मान लीजिए मुस्लिम कालीन शिक्षा की कौन सी शिक्षण विधि थी, तो व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड हुआ करता था, और भी बहुत सारे सवाल इससे संबंधित पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो सवाल हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने की बहुत सारी संभावनाएँ हैं। तो इस तरीके से हम कुछ प्रश्न करके डेली एमएड के प्रोस्पेक्टिव से हम तैयारी करेंगे। आशा करेंगे कि आपके एमएड में इस बार बहुत अच्छे से इंट्रेंस एग्जाम्स हो, आप बहुत अच्छा रैंक पाएँ और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ, ताकि आपकी तैयारी अच्छी से हो जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, अगर हो सकता है तो संभवतः अपने और दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी से। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।